परवेश मुशरफ का आपने नाम सुना होगा, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थी, वो यहाँ पर आए थे। साथ में उनकी वाई पी आई थी सबा मुशरफ, वो लाबनीता गेट से सीटियाँ चल रही थी, पाँव में चोट लगा, वहीं बैठ रहे गए। उनकी वाई मंदिर आई थी सबा मुशरफ। जिस जगह पर आप खड़े हो, पहले यहाँ पर कोई किला नहीं था। एक मेंबर एक धागे पर तीन विश मांग सकता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पर। ये हिंदू आर्किटेक्चर है। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है आप सबका। आज हम लोग जाने वाले हैं फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा देखने के लिए, और देखते हैं कैसा है। आज पहली बार जा रहा हूँ, और आज मेरे साथी हमारे जो टीम मेंबर है हमारे दा और बाकी साथियों को तो आप जानते ही हो। मम्मी आज पहली बार जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जा रहे हैं हम घूमने फतेहपुर सीकरी। आप इससे पहले गए हैं कभी? ना, मैं नहीं गया इससे पहले कभी। लगभग अभी एक घंटे का रास्ता हमने तय करना है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फतेहपुर सीकरी में, और अभी दरगाह और महल दोनों जगह जाने का हमारा इरादा है। यहाँ पार्किंग की भी सुविधा है, लेकिन पार्किंग के लिए आपने 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। हमने भी अपनी गाड़ी अभी यहीं पार्क की हुई है। अभी हम लोग आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी में। जैसे आप अंदर एंटर करोगे तो इतने ज़्यादा लोग आपके पास आ जाएंगे, कहेंगे आओ हम गाइड हैं, देखो हम गवर्नमेंट के आदमी हैं, ये पता नहीं बहुत और भी क्या क्या चीज़ें कहते हैं। तो ठीक सामने देखो एक बच्चा भी हमें मिला, कहने लगा कि अभी मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ और आपको पूरा घुमा दूँगा फतेहपुर सीकरी, आप थोड़े रुपए जो है दे देना। तो यहाँ बच्चा बच्चा बुढ़ा बुढ़ा हर कोई, मतलब हर एज का आदमी कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है। क्या क्या चीज़ है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख कुरैशी। 50 रुपए में दिखा दू, सभी लोगों को अच्छा लगे तो देना, वरना देते हैं। क्या दिखा दू? दरगाह, बुलंद दरवाज़ा, एलिफेंट टावर। देखना चाह रहे हैं आप अंदर जाएंगे, मैप भी नहीं है जो आप पढ़ कर देखेंगे। चल फिर चले आप घुमा दे, हम दे देंगे तुझे रुपये। चल जाएंगे भाई आपके साथ जाएंगे, 50 रुपए नाम को अच्छी तरीके से घुमाने, शाहरुख इनको देना है 50 रुपए, ठीक है? अच्छी तरीके से घुमाने भाई को देना है। शूज अपने अंदर लाउड नहीं, क्योंकि अंदर में पीर बाबा जी की दरगाह है, शायद आपने कभी नाम सुना होगा, हजरत शेख सलीम चिश्ती। अंदर कोई टिकट वगैरह नहीं है, कोई जगह से सलामत नहीं है, उनते से सलामत ले लेंगे, लेकिन वाचमैन होते हैं वो पैसा लेते हैं। अब बैग में आपको पे करना है। सीकरी अकबर का रॉयल पैलेस फतेहपुर एक धार्मिक स्थल जगह है। जिस जगह पर आप खड़े हो, पहले यहाँ पर कोई किला नहीं था, एक जंगल था, फाड़ी इलाका, जस्ट लाइक इट माउंटेन एरिया। फाड़ी के बीच में एक बाबा रहते थे, जिनका कभी आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री में आता है, हजरत शेख सलीम चिश्ती। अकबर के पास तीन वाइफ थी, जोधाबाई, मरियम, रुकैया बेगम, लेकिन तीनों वाइफ से अकबर को कोई औलाद नहीं था। पहले बादशाह अकबर औलाद की खातिर वैष्णो देवी गए थे ज्वालाजी मुखी, नाम तो आपने सुना होगा। वहाँ पर अकबर ने सोने का चित्र चढ़ाया, लेकिन अकबर को वहाँ भी मना कर दिया। अकबर तेरे नसीब में कोई औलाद नहीं है। फिर बादशाह अकबर राजस्थान गए, राजस्थान में एक दरगाह है, आपने नाम सुना होगा, अजमेर शरीफ। अजमेर से दिल्ली निजामुद्दीन औलिया,
दिल्ली और अजमेर के अकबर ने 6 चक्कर लगाए थे, लेकिन कहीं से अकबर को औलाद के लिए दुआ स्वीकार नहीं हुआ। फिर अकबर को सपना हुआ अजमेर में कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ फाड़ी के बीच में एक बाबा रहते हैं जिनका नाम है हजरत शेख सलीमचिश्ती। अकबर बादशाह पैदल अजमेर से फतेहपुर सीकरी आए 350 किलोमीटर दूर से। यहाँ पर आए बाबा की दुआ, पहले यहाँ कोई किला नहीं था। बाबा की दुआओं से और आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ हिंदू रानी महारानी जोधाबाई से। बेटे की खुशी में अकबर ने सारा किला बनाया। तो ये फतेहपुर सीकरी अकबर ने सिर्फ अपने बेटे की खुशी में बनाया था। ताजमहल आप लोगों ने विजिट किया होगा, जो 7 अजूबों में से एक माना जाता है खूबसूरती में। ताजमहल भी जो बना है वो बाबा के आशीर्वाद से, क्योंकि अकबर को यहाँ से सलीम नहीं मिलता तो फिर शाहजहाँ कैसे ताजमहल बनवा पाता। तो आज भी पीर बाबा जी की दरगाह के अंदर सारे लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन सिख ईसाई, लेकिन वो अंदर लोग जाते हैं वहाँ पर कोई रुपया पैसा नहीं मांगता, रशीद नहीं काटते, चंदा देख भंडारा नहीं होता, सोना चांदी का दान नहीं होता है। अंदर से एक ही चीज़ का दान होता है, वो होता है कपड़े का। कपड़ा आप लोग समझता है, कपड़े की चादर। लोग वहाँ जाते हैं, जो लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं मिलकर एक चादर चढ़ाते हैं, अनमैरिड होते हैं अपने अलग रखते हैं, अपने नाम से फैमिली के नाम से चढ़ाते हैं चादर, फिर फूल डालते हैं। चादर से टच करने के बाद जाली के अंदर लोग धागा बांधते हैं। जो भी विश करते हैं अपना लाइफ का, बिजनेस का, एजुकेशन का, फ्यूचर का, नौकरी का, शादी का, कारोबार का, विश अपने लिए कीजिए, अपनी फैमिली में किसी के लिए कीजिए। जब विश पूरा हो जाता है रिटर्न धागा खुलने यहाँ पर आना नहीं पड़ता है, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर जो लोग नहीं आ पाते जहाँ भी रहते हैं, बाबा का नाम लेकर तो गरीब लोगों में खाना बांट देते हैं, धागा खुला माना जाता है। एक मेंबर एक धागे पर 3 विश मांग सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं। मैरिड लोग अपना विश शेयर कर सकते हैं, अनमैरिड अपने मन के अंदर रखते हैं, दिल में किसी को शेयर नहीं करते। चादर जो लोग यहाँ चढ़ा कर जाते हैं, बाबा के फैमिली के लोग आज भी जिंदा हैं, वो सारी चादर उतारने के बाद गरीब लोगों में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सोचकर नहीं करते कि हम कुछ देकर जाएंगे, क्योंकि आप और हम इनको कुछ नहीं दे सकते। दुनिया यहाँ पर आती है, दुनिया को देते हैं, क्योंकि सेंसर सर झुकाते और तकदीरें बदल जाती हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पर, चाह कर भी नहीं आ पाते, लेकिन बाबा जिन्हें बुलाते हैं वही लोग आ यहाँ आते हैं। ये छोटे छोटे जो मीनार हैं आप देख रहे हैं, अकबर टाइम लाइट का कोई सिस्टम नहीं था, पहले कैंडल स्टैंड लकड़ी की मशाल जलाया। अभी मैं आपको चलकर जमा मस्जिद दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग पीर बाबा जी के दरगाह चलेंगे रेस्पेक्ट और सम्मान के साथ में। आइए, ये हिंदू आर्किटेक्चर है, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है, वो क्रिश्चियन आर्किटेक्चर है। अगर इस वाले को आप सीधा कर देंगे ये मंदिर माना जाएगा, ये मस्जिद है बादशाह अकबर ने इसलिए इसको ऐसा ही किया। आइए जाली जो देख रहे हैं सामने आप, 56 डिज़ाइन की जालियां हैं, डिफरेंट डिज़ाइन है, लेकिन बना एक ही पत्थर के अंदर है सीकरी गांव के अंदर। आज भी लोग स्टोन को काटने के बाद अपने हाथ से बनाते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे दरगाह, तो अंदर रेस्पेक्ट और सम्मान के साथ लोग जाते हैं। सबसे पहले अपने सर को कवर करते हैं, जिनके पास हैंकी चुंदरी रुमाल हो अपना सर ढक लो। अंदर हम लोग जब चलेंगे ना तो राइट पैर से अंदर एंट्रेंस करेंगे, सीधे पैर से। जो लोग जोड़े से आते हैं वो राइट पैर से एक साथ में एंट्रेंस करते हैं, जो अनमैरिड होते हैं वो भी राइट से ही करते हैं। ये 84 रूम है, पहले यहाँ मदरसा चलता था, पढ़ाने वाले का नाम था अबुल फजल फैजी, उसने किताब बोला था आईने अकबर, वो है जमा मस्जिद, सुनिए। उसके अंदर आज भी 5 टाइम का नमाज होता है। छोटे छोटे जो मीनार है आप देख रहे हैं मीनार, अकबर टाइम लाइट का कोई सिस्टम नहीं था, पहले कैंडल स्टैंड लकड़ी की मशाले जलाया करते थे। तो मुगलों में यहाँ सबसे पहले जो आए थे वो बाबर आए थे, बाबर के बाद सेकंड मुगल हुमायूं, फिर थर्ड मुगल एम्परर अकबर। इस जगह का नाम था पहले सीकरी गांव। बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच एक फाइट हुआ था सन 1527 में खानवा के मैदान में। बाबर ने इस जगह को फतेह किया, फतेह मीन्स विक्ट्री, फोर मीन्स सिटी, इस जगह को जीता, तभी इस जगह का नाम दे दिया फतेहपुर एंड सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने सिर्फ अपने बेटे की खुशी में बनाया था। इसके पीछे एक पैलेस है, ये जो देख रहे हैं आप सामने, ये बाबा के पोते की दरगाह है नवाब इस्लाम खान, जो ढाका बंगाल के गवर्नर, तो तेरी निगाहों पे सब कुछ लुटाने आए हैं वो भी दरगाह बनाए, क्योंकि जिन्हें बाबा बुलाते हैं वही लोग यहाँ तक आ पाते हैं बड़े भाई, और जिन्हें नहीं बुलाते वो गेट से लौट जाते हैं। परवेश मुशरफ का आपने नाम सुना होगा, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, वो यहाँ पर आए थे, साथ में उनकी वाइफ भी आई थी सवा मुशरफ। बोला बनी था, गेट से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, पाँव में चोट लगा, वहीं बैठ रहेगा, उनकी वाइफ अंदर आई थी सवा मुशरफ। अभी पहले मैं आपको अंदर के बारे में बताऊंगा कैसे अंदर जाना है, रेस्पेक्ट और सम्मान के साथ पहले सुनेंगे फिर हम लोग अंदर चलेंगे। एक महल है वहाँ पर जोधाबाई का महल, पंचमहल, तानसेन के गाने की जगह, दीवाने आम दीवाने खास, उसके अंदर 26 बिल्डिंग है। आप उधर जाएंगे, अच्छा जगह है, यहाँ से शूज़ लेंगे, इसके पीछे है 50 रुपये एक बंदे का, वहाँ एंट्रेंस फी टिकट लगता है, ठीक है।
पहले आप अपने शूज ले लीजिएगा, फिर मैं आपको वहाँ का रास्ता बता देता हूँ। वहाँ पर हम रुक नहीं जाते, वहाँ पर मैं रुक हिंदी और इंग्लिश, वहाँ पर आप लोग खुद पढ़कर रुक, वहाँ तक मैं आपको छोड़ दे। सर एक बात तो बताओ, ये दरवाजे में ये चीज़ें क्यों बनाई हुई हैं? जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके दो रीज़न हो सकते होंगे। क्या? पहला तो ये कि बाय द वे कभी युद्ध हो गया, कुछ हो गया, तो हाथी घोड़े से, अगर हाथी से भी दरवाज़ा तोड़ेंगे तो हाथियों में भी चुभेगा ये। और दूसरा? और दूसरा है कि एक हरा साइट हरी, ऐसी चीज़ों का भी शौक रखने वाले थे पहले ज़माने के बाद सालों। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स पे जरूर है। सामने ये गेट बनने नहीं, 6 गेट हैं, देखने में छोटे बड़े लगेंगे पर एक ही साइज के। अच्छा ठीक है, सामने वो ये सामने लैंप पे दिख रहा नहीं, वो अकबर टैम सोने का था। 1905 में ब्रिटिश लोगों का राज आया, सोने को उतार के ले गए तामी का डाल। अच्छा ठीक, वो सामने दिख रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों ये महल देखने के लिए यहाँ, और यहाँ पे पहले आपने प्रत्येक पर्सन 50 रुपये की टिकट कटवानी होगी, उसके बाद ही आप अंदर आ सकोगे। सिक्योरिटी भी है यहाँ, सुनसानी काफ़ी ज़्यादा है। 5:30 बजे दोस्तों ये बंद हो जाता है, तो अगर आप कभी आएँ तो थोड़ा टाइम से आ जाएँ यहाँ। 5:15 होने वाले हैं, अब थोड़ा सा समय है हमारे पास। दोस्तों उस समय की नक्काशी कितनी उमदा तरीके से की गई है, आप देख सकते हैं। वो देखिए छत में तक का लोगों ने इतने अच्छे डिजाइन बनाए हैं, मैं कुछ आपको बता नहीं सकता। इतनी खूबसूरत डिजाइन उस समय की है, देखिए आप। ये है दोस्तों जोधाबाई का महल, वो गर्मियों में रहती थी बोले यहाँ, और आपको मैं दिखाता हूँ वो कहाँ नहाती थी। यहाँ कुछ गाइड हैं, उनका कहना है वो
गुलाब जल के पानी से नहाती थी। सादा पानी तो उनके दासियों के लिए था। ये देखो यहाँ नहाती थी, यहाँ से जाती थी और यहाँ पर ठीक है ये था। यहाँ पर लगता था जोधा बाई के लिए बाजार, मीना बाजार। यहाँ जोधा बाई के लिए लगता था बड़ा बढ़िया। सब हीरे जवाहरात यहाँ लाते थे और यहाँ से वो पसंद करके ले जाती थी। कितना ये था। अब हम चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सुनहरा मकान के बारे में, जो मरियम की कोठी नाम से प्रसिद्ध था, उसके बारे में कुछ लिखा गया है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो यहाँ है। आपको अगर नज़र आ रहा है तो वो देखिए, आठ खम्भे हैं, उसके ऊपर एक सपाट कह सकते छज्जा जैसा है, वहाँ रात को रहा जाता था, क्या है ऐसा लिखा गया है इस जगह पर। जोधा बाई की रसोई, यह है जोधा बाई की रसोई। आपको किवाड़ इसके बंद किए गए हैं पर हम यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की। सुधा स्मारक द वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट फतेहपुर सीकरी, यू ऑल गाइस कैन रीड इट। यह सलीम चिश्ती की दरगाह जो हम देख चुके हैं। ऐसा रहा कि हमारा दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि एक नई जगह को एक्सप्लोर किया हमने। और ये फतेहपुर सीकरी में जो बीरबल का महल, जोधा भाई का महल, रसोई घर, बहुत चीज़ें देखी, एक्सप्लोर किया नई चीज़ों को। और जो ये ऊपर ऊपर दिख रहा है आपको मीनार जैसी, इनमें पहले लकड़ियों के मसाले जलाए करते थे क्योंकि उस समय पर लाइट तो होती नहीं थी, अंधेरा होता था काफ़ी ज़्यादा, तो रात के समय पर हर दिन मसाले जलाई जाती थी और उसी से उजाला होता था। जैसा कि सामने नज़र आ रहा होगा दोस्तों आपको, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो दरगाह में और जो जामा मस्जिद है उसके ठीक बगल में, वहाँ जूते समेत जाना अलाउ नहीं है, तो हम भी अभी यहाँ जूते हाथ में पकड़ के जा रहे हैं। जो शेख सलीम चिश्ती थे दोस्तों, उनसे अकबर बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए थे और उन्होंने, अकबर ने ही उन्हीं के नाम पर अपने जो उनका जो लड़का था उनका नाम सलीम रखा था। कुछ बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं दोस्तों ये, और ऐतिहासिक जगहों पर आकर हमें पुराना इतिहास के बारे में पता चलता है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है पुराने इतिहास को जानकर, क्योंकि ये चीज़ें हमने सिर्फ पढ़ाई करने समय, स्कूल में जब पढ़ते थे उस समय पे हमने पढ़ी थी, बाकी यहाँ आकर काफ़ी अच्छा हमें लगा है। ठीक मेरे पीछे है दोस्तों बुलंद दरवाज़ा, अकबर ने गुजरात विजय के अवसर पर, उपलक्ष्य पर ये बनाया था, आप देख सकते हैं। ये रहा बुलंद दरवाज़ा। तो दोस्तों फ़िलहाल आ चुके हैं हम फतेहपुर सीकरी से। जो दरगाह है दोस्तों वहाँ चादर चढ़ानी होती है और एक धागा है वो भी बांधना होता है। चादर भी तीन तरह की है वहाँ, एक है सबसे छोटी वाली, एक फिर थोड़ी सी बड़ी और एक फिर सबसे बड़ी उनमें से। सो सबसे छोटी है वो है 551 रुपये की, और फिर उसके बाद 1100 और फिर 2100। ऐसे ही दोस्तों लोग अपने अपने श्रद्धा अनुसार चादर चढ़ाते हैं और जो धागा है वो भी बांधते हैं उसके बाद। ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया गया वहाँ कि जो धागा अगर आप उसको बांधोगे तो जो आपकी मुरादें हैं, मन्नत है, वो पूरी होती है। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद या तो कोई कह रहा था कि धागा खोलने आना होता है, या अगर खोलने नहीं आ पाते हो तो फिर जाके किसी दो गरीबों को खाना पेट भर के खिला देना हुआ। जितनी जानकारी हमें वहाँ जाके प्राप्त हुई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो बाकी इसके बाद हम जा रहे हैं वापस से आगरा और अब आपसे मुलाकात करेंगे शादी में। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।